हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकाई अलर्ट गुरु। क्या हम दोस्तों एसी कोच में वेटिंग टिकट से यात्रा कर सकते हैं? क्या है दोस्तों रेलवे का नियम? यात्रा करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी नई अपडेट और सभी जानकारी के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें सभी डिटेल्स पाने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अपडेट की ओर। तो जैसे कि दोस्तों काफ़ी भीषण गर्मी यहाँ पे पड़ रहा है और दोस्तों काफ़ी लोग अब एसी में जाना ही प्रेफर कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोग एसी का वेटिंग टिकट भी ले लेते हैं। अब दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन वेटिंग टिकट लिया है और अब दोस्तों आपका एसी का वेटिंग टिकट है थर्ड एसी, सेकेंड एसी, तो दोस्तों अगर आप या फर्स्ट एसी भी हो, दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिया है और चार्ट प्रिपरेशन के बाद आपका टिकट जो है वेटिंग ही रह गया, दोस्तों इस कंडीशन में आपका टिकट वैलिड नहीं होगा। आपका टिकट ऑटोमेटिकली आपको बता दें कैंसिल होकर आपका जो भी रिफंड है, आपके जो भी यहाँ पे पेमेंट होगा, वो जिससे आपने पेमेंट किया होगा अमाउंट, उससे उसमें दोस्तों खाते में आपका आ जाएगा 7 दिनों के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर आपने काउंटर से वेटिंग टिकट लिया है, इस कंडीशन में दोस्तों चार्ट प्रिपरेशन के बाद अगर आपका दोस्तों वेटिंग टिकट वेटिंग ही रह जाता है, तो इस कंडीशन में दोस्तों रेलवे अलाउड तो करता है आपको ट्रेन में बोर्ड करने को लेकर। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास जैसे कि स्लीपर में होता है कि स्लीपर का टिकट लेने के बाद यात्री जो लोग हैं वो स्लीपर में चढ़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों एसी में ऐसा कंडीशन नहीं है। अगर आपने दोस्तों एसी का सेकंड एसी, थर्ड एसी या दोस्तों फर्स्ट एसी का भी काउंटर टिकट लिया है, दोस्तों आप ट्रेन में ट्रेवल तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप एसी बोगी में जाकर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बता दें अगर आपका जैसे कि पाँच लोगों का आपने एक पेनआर पर टिकट बुक किया है और किसी दोस्तों एक या दो व्यक्ति का भी अगर एसी में कंफर्म हो जाता है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका पेनआर अलग अलग है और दोस्तों जो भी यहाँ पे यात्री हैं उनका टिकट अगर वेटिंग रह गया काउंटर टिकट रहने के बाद भी, तो दोस्तों इस कंडीशन में आप टीटी के रिक्वेस्ट पर अगर दोस्तों कोई भी सीट अगर खाली होता है एसी में या दोस्तों कोई यात्री जैसे कि एब्सेंट कर जाते हैं, तो इस कंडीशन दोस्तों आप बता दें ट्रेनों में टीटी लोग के पास हैंड टर्मिनल डिवाइस आ चुका है। जो भी दोस्तों काउंटर वेटिंग टिकट होता है, जो भी यात्री एब्सेंट होता है, वो उसमें दोस्तों मार्क कर देते हैं और जो टिकट जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो वेटिंग पर्सन है उसको दोस्तों टिकट कंफर्मेशन का मैसेज आ जाता है। अब ऐसी कंडीशन दोस्तों आप टीटी से रिक्वेस्ट कर अपना टिकट कंफर्म करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको वेटिंग टिकट है, तो टीटी आपको बता दें वेटिंग टिकट से एसी बोगी में आपको भीड़ लगाने नहीं दिया जाएगा, जैसे कि दोस्तों काफ़ी लोग स्लीपर क्लास में करते हैं और स्लीपर क्लास में दोस्तों त्योहारों के दिनों में काफ़ी भीड़ यहाँ पे लग जाती है। ऐसा दोस्तों आप एसी क्लास में ऐसा नहीं कर सकते कि आप वेटिंग टिकट लेकर एसी में आप यहाँ पे बोर्ड कर जाएं और एसी में भी आप यहाँ पे भीड़ लगाएं, ये दोस्तों आप नहीं कर सकते जैसा कि स्लीपर में लोग करते हैं। ये दोस्तों अपडेट थी। बाकी दोस्तों आपका कोई डाउट हो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और नई अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।